आपका पार्टनर यदि खर्राटे मार रहा है तो बड़ी तकलीफ आपको होती है, जोर जोर से खर्राटे मार रहा है, आवाज हो रहा है, और फिर आपको नींद नहीं आती है। वो खर्राटे मारने का जो इलाज है वो तो करना ही चाहिए, उसको स्लीप क्लिनिक में लेके जाओ, उसका इलाज करो। क्या होता है, जिनकी गर्दन छोटी है वो ज़्यादा खर्राटे मारते हैं, यहाँ जिनका ज़्यादा फैट है वो खर्राटे मारते हैं, तो उनका इलाज करना जरूरी है। मगर उसके साथ साथ देखना चाहिए कि हमने क्या करना चाहिए, मतलब पार्टनर ने क्या करना चाहिए। नंबर एक, उसने वो आवाज़ की हैबिट लगाना चाहिए अपने आप कि ठीक है हो रहा है हो रहा है, उसके ऊपर अपने कान नहीं जाना चाहिए, मतलब कान के ऊपर वो आवाज़ नहीं आना चाहिए, इसलिए अपने आप को ट्रेन करना है, और वो ट्रेनिंग से हो जाएगा। तो पहला वो उपचार है। नंबर दो, कान में आप ईयर प्लग्स डाल सकते हो, ताकि ईयर प्लग डाल दिए तो फिर आवाज़ नहीं आएंगे और आपको तकलीफ कम होगी, या हेडफोन लगा सकते हैं। नंबर तीन, आप बहुत ही हल्का सा म्यूज़िक बैकग्राउंड में लगा के वो सुन सकते हैं, ताकि वो म्यूज़िक एकदम अच्छा स्वीट संगीत है, एकदम रिलैक्सिंग संगीत है। वाइट नॉइज़ मशीन रहती है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो मशीन या वो संगीत सुन सुन के आप सो जाएंगे, आपको पता भी लगेगा नहीं कि नींद कब लग गई। बहुत बार ऐसा होता है कि पीठ के ऊपर ऐसा सोता है तो खर्राटे ज़्यादा आते हैं, इसलिए वो यदि व्यक्ति एक करवट पर सोता है, बाएं तरफ या दाएं तरफ करवट पर, तो उसमें फ़ायदा हो जाएगा और वो खर्राटे कम हो जाएंगे। हेड पोजीशनिंग पिलो बाजार में मिलती है, या स्नो रिड्यूसिंग ट्रेनर मिलता है वो आप खरीद सकते हैं, और जिससे आपको तकलीफ नहीं होंगी, मतलब वो व्यक्ति को तकलीफ नहीं होगी, स्नोरिंग कम हो जाएगा और आपको भी तकलीफ कम होगी। जैसा पुरुष खर्राटे मारते हैं वैसे महिलाएं भी खर्राटे मारती हैं, मगर महिलाओं के बारे में ज़्यादा चर्चा की जाती नहीं है। यदि स्त्री को भी ऐसा होता है तो उसका भी ख्याल रखना जरूरी है और उसका भी इलाज करना जरूरी है। यदि आपको लगता है कि सभी करने के बाद में भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो डेफिनेटली आप स्लीप क्लिनिक में जाके इलाज कर सकते हैं, क्योंकि यदि यहाँ के अंदर की जो स्पेस है जिसमें वोकल कॉर्ड को ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, ट्रकिया में पता नहीं क्या ऑब्स्ट्रक्शन है क्या, वो देखना पड़ेगा, चेकअप करना जरूरी है, जिससे भी कुछ प्रॉब्लम यहाँ होगा तो वो निकल जाएगा। क्या होता है कि स्लीप एपनिया, कभी कभी कुछ लोगों को ऐसा हो जाता है कि वो बीच में उनका श्वास रोक देते हैं, श्वास लेने बंद कर डालते हैं, फिर बाजू वाले को वो डर लगता है कि अभी क्या हो गया, श्वास ही नहीं ले रहा क्या, मर रहा क्या है, तो स्लीप एपनिया है, तो उसका भी इलाज करना जरूरी है। लोग इलाज करेंगे तो स्लीप एपनिया से भी वो मुक्ति पाएंगे। ये वीडियो अच्छा लगा आपको तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।